भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 73 लाख के पार हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 81,541 मरीज ठीक हुए, जिससे अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 63,83,441 पर पहुंच गई है। तेलंगाना में भारी बारिश के कहर से 30 लोगों की मौत हो गई। नदियों की तरह दिखने वाली सड़कों के साथ साथ कारें पूरी तरह डूब गईं और मजबूत धाराओं के साथ इमारतों में बाढ़ आ गई। अकेले हैदराबाद में ही 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 2 महीने का बच्चा भी शामिल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बुधवार से महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को उत्तरी कोंकण के साथ मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है। करीब 7 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार की ओर से सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन राजधानी दिल्ली के ज्यादातर सिनेमाघर इसके एक दिन बाद यानी 16 अक्टूबर शुक्रवार से खुलेंगे। सिनेमा इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ चुनिंदा सिनेमाघरों के खुलने की उम्मीद है। करीब 14 महीनों के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई से जम्मू कश्मीर में सियासी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा ने ट्विटर हैंडल पर अपना बयान जारी करते हुए विशेष दर्जे के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रत्याशियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अभिभावक हैं, वे हमारे दिल में रहते हैं। उनकी तस्वीर को लेकर कई लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर की जरूरत नीतीश कुमार को ज्यादा है। कोरोना महामारी संकट के बीच रूस ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा करते हुए बताया कि रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है और इस वैक्सीन का नाम एपिक वैक कोरोना है, जिसे जल्द ही मार्केट में उतारा जाएगा। अमेरिकी कंपनी फाइजर को सरकार ने बच्चों पर टीके का परीक्षण करने की अनुमति दी है। कंपनी अगले सप्ताह ट्रायल शुरू करेगी। सबसे पहले 16 और 17 साल के किशोरों पर प्रयोगात्मक टीके का असर देखा जाएगा, फिर 12 से 15 साल की आयु के बच्चों पर यह प्रयोग किया जाएगा। टीका अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट फ्रैंक ने बताया कि 90 अभिभावकों ने अपने बच्चों को इस ट्रायल में शामिल कराने की इच्छा जताई है। चीन, रूस और क्यूबा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता हासिल करने पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे अत्याचारियों की जीत करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष विराम होने के बाद भी लड़ाई जारी है। दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रही है। बुधवार को नगोर्ना काराबाख इलाके में आर्मेनिया सैन्य ठिकानों पर अजरबैजान ने भीषण बमबारी की, जिसके बाद आर्मेनिया ने धमकी देते हुए कहा कि उनकी सेना को अब जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।